तो हे गेमर्स, हमारे गेम के अंदर फाइनली द पैराडॉक्स का इवेंट स्टार्ट हो चुका है। इस इवेंट के अंदर आप लोगों को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को न्यू कैरेक्टर बिल्कुल ही फ्री का मिल जाएगा बंडल के साथ। तो भाई कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओपी है, इसको आप लोग जरूर से क्लेम करना। साथ ही साथ गाइस यहां पर आप लोग ग्रैंड का स्किन मिलने वाले हैं, और गाइस ग्रैंड प्राइज के तौर पर यहां पर आप लोग को बिल्कुल ही फ्री का ये वाला इमोट मिलेगा, जो कि यार बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है। लेकिन भाई इन सभी रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए आप लोग को सबसे पहले इनका मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। मिशन कैसे कंप्लीट करना है, चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ। वैसे देखो ये जो इवेंट है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप लोग इसे अच्छे समझ जाते हो ना तो बहुत कम टाइम के अंदर आप लोग इस इवेंट को आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कंप्लीट करना है चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे याद से सेट करना, ताकि ऐसा कोई भी इवेंट या फिर अपडेट आपका मिस ना हो पाए। ओके, सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस देखो नीचे में अगर आप लोग 10 पॉइंट कंप्लीट करोगे ना तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा ये वाला वॉइस। काफी सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये चीज क्या है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जिसे आप लोग हेल्प मी वगैरह बोलते हो ना वॉइस चैट से, मतलब बिना माइक ऑन किए हुए माइक ऑन प्लीज या फिर हेल्प मी वगैरह बोलते हो, तो वो एक वॉइस चैट होता है और उसी के अंदर आप लोग इसको इक्विप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वॉइस चैट है जो कि आप लोगों को 10 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, और 30 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एक और वॉइस चैट मिलेगा जो कि 30 दिनों के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये दोनों वॉइस चैट आप लोगों को टेंपरेरी मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलने वाला है, सिर्फ 30 दिनों के लिए आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और 50 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये काइरोस का न्यू कैरेक्टर मिल जाएगा, और इसकी एबिलिटी क्या होगी मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहना। इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और गाइस 70 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये वाला ग्रैंड का स्किन मिलेगा जो कि बहुत शानदार लग रहा है। और गाइस इस इवेंट का जो मेन ग्रैंड प्राइज है वो ये वाला इमोट है, जो कि आप लोगों को 90 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करना है और कैसे आप लोगों को मिशन कंप्लीट करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। गाइस नीचे में आप लोगों को सबसे पहले डेली टास्क देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप लोग डेली टास्क के अंदर आओगे यहां पर आप लोग काफी सारे अलग अलग मिशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप लोग बीआर या फिर सीएस या फिर लोन वोल्फ के अंदर 2700 का डैमेज देते हो तो भाई यहां से आप लोगों को डुअल टोकन मिल जाएगा। ये डुअल टोकन, इसका नाम है डुअल टोकन, जो कि आप लोगों को 2 टोकन मिल जाएगा, तो इसको आप लोग इजीली क्लेम करना। जैसे आप लोग इस टोकन को क्लेम करोगे ना, नीचे में आपका जो पॉइंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। नीचे में आप लोग गौर करना, मेरा जो पॉइंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पॉइंट बढ़ने वाला है। और गाइस यहां पर देखो मैंने 6 इनिमी को एलिमिनेट किया था अभी, बीआर सीएस के अंदर एलिमिनेट किया था, तो भाई यहां पर मुझे और भी मिल चुके हैं, तो इसको भी मैं क्लेम करता हूं। और गाइस नीचे में देखो मेरा 4 पॉइंट बढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बीआर के अंदर 7 इनिमी को हेडशॉट मार्कर डाउन किया। अगर आप लोग चाहो तो लोन वोल्फ के अंदर भी ये कर सकते हो या फिर सीएस के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बीआर के अंदर किया, तो भाई ये मिशन भी मेरा इजीली कंप्लीट हो गया, मैंने इसको भी क्लेम कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सर्वाइव करना होगा 90 मिनट तक, सीएस के अंदर करो या फिर बीआर के अंदर या फिर लोन वोल्फ के अंदर करो। जैसे आप लोग ये कर लोगे भाई ये मिशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैंने 51 मिनट तक किया है, लेकिन आप लोग को पूरे 90 मिनट तक करना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को साइड में आप लोग को एक्स्ट्रा मिशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग को 3 टीममेट को हेल्प करना है बीआर या फिर सीएस या फिर लोन वोल्फ के अंदर। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई ये लोन वोल्फ तो लिख दिया लेकिन लोन वोल्फ के अंदर हेल्प कहाँ होता है टीममेट को, वो तो ऑटोमेटिक मर जाता है, पर पता नहीं फ्री फायर वालों ने नशे किए हैं शायद। और उसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट मिशन है वो है फ्रेंड्स प्ले विद फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ 3 मैच खेलना है, ये मिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैंने खेला है तो ये मिशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। और गाइस यहां पर आप लोगों को 200 डैमेज ब्लॉक करना है ग्लूअल से, तो भाई ये भी आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा इजीली, जो कि आराम से मतलब गेम खेलो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस यहां पर आप लोगों को 3 मैचेस खेलना है बैटल बीआर या फिर सीएस के अंदर, ठीक है। तो भाई ये मिशन भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने काफी सारे मिशंस कंप्लीट कर लिए। तो ऐसे ही आप लोगों को सारे मिशंस को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद जैसे आप लोग क्लेम करोगे ना भाई नीचे में आपके पॉइंट्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो मिशन है डेली का 4 बजे रिफ्रेश होने वाला है, मतलब आज मैंने ये मिशन कंप्लीट किया तो कल मुझे फिर से यही मिशन देखने को मिलेगा और कल मुझे फिर से ये मिशन कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये देखो मेरा स्टेज 1 फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और गाइस यहां पर मुझे लॉगिन के बदले यहां पर मिल रहा है कुछ यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो भाई इसको भी मैंने क्लेम कर लिया, ठीक है। जैसे आप लोग इसको क्लेम करोगे तो भाई यहां पर देखो ये मेरा एक्स्ट्रा 1 बढ़ चुका है और यहां पर मुझे रिवॉर्ड्स क्लेम करने का ऑप्शन भी आ चुका है, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको हम लोग क्लेम करते हैं। और ये देखो मुझे फाइनली एक मैसेज मिल चुका है, इसको अगर आप लोग चाहो तो क्विक मैसेज में इक्विप भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सिंपली से आप लोग इक्विप पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइस यहां पर देखो यहां पर जो है ना इसको आप लोगों को लाकर इसके कहीं पर भी आप लोग रख सकते हो, जैसे कि यहां पर मैं गेट इन द रूम पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो ये आ चुका है। और अगर आप लोग चाहो तो क्लैश कोड के अंदर भी रख सकते हो, मैंने बैटल रॉयल के अंदर रखा है तो आप लोग क्लैश कोड के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर हम लोग ये वाला कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव कर देते हैं, जैसे आप लोग सेव करोगे ऑटोमेटिक आपका दोनों के अंदर सेव हो जाएगा और आप लोग कट कर देना है, ठीक है। अब अगर आप लोग गेम के अंदर जाओगे तो मैसेज के अंदर जाकर देखना, वहां पर आप लोग को एक नया मैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मस्त लगता है, मैं तो काफी ज्यादा यूज करता हूं। यहां पर तो मैंने 10 पॉइंट कंप्लीट कर लिया, इसको आप लोग पॉइंट बोलो या फिर एनर्जी बोलो चलेगा, लेकिन मैं पॉइंट बोलता हूं। तो यहां पर गाइस 11 पॉइंट मेरे फाइनली कंप्लीट कर लिया और गाइस 10 पॉइंट मुझे ये मिल चुका है। जैसे जैसे आप लोग यहां पर पॉइंट बढ़ाओगे ना तो बहुत ही ईजी है, जस्ट आप लोग को डेली का टास्क कंप्लीट करना है। जैसे जैसे आप लोग डेली का टास्क कंप्लीट करोगे आप लोग को टोकन्स मिलेंगे और टोकन्स को बस आप लोग क्लेम करना है, ठीक है। जैसे
जैसे आप लोग टोकन को क्लेम कर लोगे भाई, यहाँ पर आपका जो एनर्जी पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग 90 टोकन क्लेम करोगे ना, तो भाई ये पूरा फुल हो जाएगा एंड आप लोग को लास्ट में ये वाला फाइनली इमोट मिल जाएगा। तो इवेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आप लोग आराम से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ गाइस इस इवेंट को शेयर करने पे भी कुछ मिलने वाला है, ऊपर में आप लोग को शेयर का एक आइकन देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर आप लोग को सिंपल सा क्लिक करना है। अगर आप लोग चाहो तो व्हाट्सअप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं इसको शेयर नहीं करूंगा, फिर भी मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार काफी टाइम ऐसा ही होता है। लेकिन भाई ये क्या हुआ, मैंने शेयर, अच्छा लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। व्हाट्सअप मेरे इस फोन के अंदर इंस्टॉल नहीं है, अरे इंस्टाग्राम भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं भाई, आप लोग चाहो तो, अच्छा देखो यहाँ पर मेरा हो चुका है, मेरे को 100 गोल्ड मिला है भाई, शेयर करने पे 100 गोल्ड मिला, चलो कोई ना, फ्री का 100 गोल्ड मिला है, आप लोग भी क्लेम कर लेना। और अगर आप लोग को पैराडॉक्स का स्टोरी जानना है तो साइड में आप लोग को स्टोरी ऑफ पैराडॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप लोग यूट्यूब के ऊपर चले जाओगे, तो वहां से आप लोग स्टोरी देख सकते हो। अब गाइस हम लोग बात करते हैं न्यू कैरेक्टर के स्किल के बारे में। तो गाइस ये जो कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, मुझे लगता है काफी सारे बंदे इस कैरेक्टर को यूज करेंगे। अगर आप लोग को भी जानना है कि इस कैरेक्टर का स्किल क्या है, तो साइड में आप लोग काइरोस स्किल देखने को मिलता है, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग इसके अंदर एंटर हो जाओगे। और गाइस यहां पर आप लोग को बहुत सारे आप लोग को ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस आप लोग यहां पर टैप कर देना है और उसके बाद गाइस आप लोग इसके अंदर चले आओगे। यहां पर बताया जा रहा है ये मेल है, इसका एज जो है वो 22 है, बर्थडे भी यहां पर लिखा हुआ है, सारा कुछ बताया गया है। और गाइस यहां पर हिज हिस्ट्री वगैरह भी लिखा हुआ है और ये एक पैसिव स्किल होने वाला है, ठीक है। मतलब इसका जो स्किल है ना, वो आप लोग किसी में भी ऐड कर सकते हो, क्रोनो के अंदर, स्काइलर के अंदर, या फिर तत्सुया के अंदर, वुकोंग के अंदर, किसी के अंदर भी इसका स्किल आप लोग ऐड कर सकते हो। ये एक पैसिव स्किल होता है, एक्टिव स्किल नहीं है, पैसिव स्किल है, ठीक है। अब आप लोग को सिंपली से स्किल इंट्रो के ऊपर क्लिक करना है, तो भाई यहां पर आप लोग को इंट्रो दे के बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग इसका स्किल यूज करोगे ना, तो सामने में कोई भी शील्ड पॉइंट वाला होता है ना, जैसे कि जिसका भी एचपी जो है वो 40 HP एक्स्ट्रा मिलता है, अगर वो लोग शील्ड वाला जो कैरेक्टर यूज करते हैं तो उनको 40 HP एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी का 260 HP होता है, किसी का 240 HP होता है, तो वो लोग कैरेक्टर यूज करते हैं, कैरेक्टर स्किल यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस काइरोस कैरेक्टर का स्किल यूज करोगे ना और उस एनिमी को मारते हो, तो भाई उसका जो शील्ड पॉइंट है वो घट जाएगा, मतलब उसका बहुत डैमेज होने वाला है और उसका वेस्ट भी डैमेज होने वाला है, तो भाई बहुत ही मस्त होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर फायर का एक आइकन मिल रहा है और गाइस इसके ऊपर जैसे आप लोग हम लोग फायर करते इनेमी के ऊपर लगता है, तो ऊपर में देखो मेरा शील्ड, वो उसका जो शील्ड पॉइंट है वो फूट गया और उसका वेस्ट भी फूट गया, ठीक है। तो इसका जो मेन काम होगा कि अगर आप लोग इनेमी को मारोगे तो उसका शील्ड पॉइंट भी जाएगा और इनेमी का वेस्ट भी डैमेज होने वाला है। और गाइस उतना ही नहीं, अगर आप लोग इसका स्किल यूज करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका ईपी भी फुल होने वाला है, ठीक है। आप लोग को ईपी फुल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका ईपी फुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैरेक्टर वो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, मुझे लगता है बहुत सारे बंदे इसका स्किल यूज करने वाले। वैसे भी ये पैसिव स्किल होने वाले, तो कोई भी कैरेक्टर के अंदर आप लोग इसका स्किल यूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे में आप लोग को रिकमेंडेड प्रीसेट देखने को मिल रहा है, मतलब आप लोग इन सारे स्किल्स को यूज कर सकते हो साथ में। और गाइस तीनों के अंदर काइरोस का स्किल डाला गया है, ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यहां पर आप लोग को रिकमेंड किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग काइरोस कैरेक्टर का स्किल समझ गए होगे, इसका स्किल बहुत ही मस्त है, आप लोग कैसा लगा कमेंट के अंदर बताना। और गाइस साथ ही साथ बीआर और सीएस के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अगर आप लोग सीएस के अंदर खेलते हो तो आप लोग यहां पर टिक आउट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे कि ऊपर में आप लोग देखो मेरा, मैंने टिक आउट नहीं किया है, अगर आप लोग टिक आउट करोगे ना, तो भाई देखो पैराडॉक्स के थीम पे ये बैनर आ चुका है, मतलब अगर आप लोग अभी गेम को स्टार्ट करोगे ना, तो नीचे में देखो स्पेशल सीएस रैंकेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग इसको स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पॉइंट मिलेगा, अगर आप लोग हारोगे भी जीतोगे भी तो आप लोग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। जिससे गाइस अगर आप लोग 2-3 गेम खेलोगे ना, तो एक गेम आपका माइनस नहीं होगा, आप लोग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें काफी ज्यादा बेहतर किया गया है, अगर आप लोग खेलना चाहो तो सीएसबीआर रैंक खेल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिया और इस इवेंट के बारे में बता दिया, बहुत ही ईजी है, बस आप लोग को टोकन्स को क्लेम करना है डेली टास्क कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद गाइस आप लोग को नीचे के सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले, बस आप लोग को ये रिवॉर्ड्स को क्लेम कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस इवेंट के बारे में सारा कुछ समझ गए होंगे, अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिंदास पूछ सकते हो। बाकी बस यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।